नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डैडी, कार एक्सीडेंट में मेरे दोस्त जगन्नाथ, जिनके हमारे ऊपर बहुत एहसान था, इस दुनिया से चले गए। उनको दिया हुआ वचन तुम्हें पूरा करना होगा। कैसा वचन डैडी? जगन्नाथ की बेटी रुक्मिणी ने कहा, तुम्हारे हाथ में सौंपने का वचन बेटा। क्या मेरे हाथ में? मेरी अंतिम सांस निकलने से पहले मेरी आंखों के सामने तुम्हें रुक्मिणी को अपनी पत्नी स्वीकार करना होगा। डॉक्टर श्याम, मैंने तुम्हारे पिताजी के कहने पर मैरिज रजिस्ट्रार को यहां पर ही बुला लिया है, वो आ गए। लेकिन डैडी, मैं बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, मेरे वचन की लाज रख ले। डैडी, हेलो, डॉक्टर श्याम है? जी नहीं, वो तो मद्रास गए हैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस में। देखिए, उनके डैडी का एक्सीडेंट हो गया था, अब उनकी तबीयत कैसी है? एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। आप कौन बोल रही हैं? जी, मैं डॉक्टर श्याम की पत्नी बोल रही हूँ। उनके लिए कोई मैसेज? जी जी नहीं। वकील साहब, आपकी फाइल और हमारी फीस। रात को नहीं, अभी नहीं, अभी क्यों? नहीं। अरे राधा जी, आप आइए आइए। इतने दिन कहाँ गायब हो गई थी? चला चलो भाई, अब आप दोनों सहेलियां जम के बातें करो। तो रमा जी। हाँ जी। तो फीस तो खैर कोई बात नहीं, कल मैं डबल फीस वसूल कर लूंगा। शर्म भी नहीं आती इनको, चला। तो रमा, हाउस मैरिड लाइफ ट्रीटिंग यू? अरे क्या बताऊं, दिन चांदी के रातें सोने की। मुझे मालूम नहीं था शादी के बाद जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है। अच्छा, फिर तो तेरी शायरी में भी चार चांद लग गए होंगे। क्यों? बिल्कुल नहीं, एक ताजा शेर सुन। सुना। मेरे मरने के बाद, मेरे जलाने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, कहीं ऐसा ना हो वो भी जल जाए जो मेरे दिल में रहते हैं। वाह, बहुत अच्छे रमा। अब तो हमारा मिलना कभी कभी होगा। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैंने चंडीगढ़ भी छोड़ दिया है,
आजकल मैं कश्मीर में रहती हूँ। कश्मीर में? ये सब अचानक कैसे बदल गया? अरे हाँ, एक बात याद आ ही रहा था। क्या? वो तेरा आशिक था ना डॉक्टर श्याम, उसकी शादी हो गई। अच्छा अच्छा, इतना छोटा सा अच्छा, क्या बात है राधा, सब खैरियत तो है? राधा क्या नाम है बेटे? दिपेंसी। अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। प्यार से मुझे मम्मी डॉली भी बुलाती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा नाम है। आप तो बिल्कुल डॉली लगती है मिस दिपेंसी। आप बिल्कुल हमारे पापा जैसे लगते हैं। अच्छा, आपके पापा जैसे? हाँ, पापा जैसे अंकल। क्यों जी, कुछ दाल में काला तो नहीं है? अगर दाल में कुछ काला होता तो बर्फ के इस उजले गाँव पहलगाँव में तुम्हें लेकर नहीं आता। वैसे मिस दिपिंती, इस वक्त आप कहाँ जा रही हैं? अपने घर। आइए ना अंकल, मैं आपको अपने पापा की तस्वीर दिखाती हूँ। आइए ना। मिस दिपिंती, अभी तो हमें कहीं जाना है, क्यों? अरे बच्ची कह रही तो हो, आइए ना। डॉली, कहाँ है आपका घर? सामने। अच्छा ठीक है, तो चलते हैं, आइए। आप हो आइए, मैं सामने की दुकान से कुछ मैगजीन्स खरीद लेती हूँ। ओके, चलिए मिस दिपंती, चलिए। वो रही मेरे पापा की तस्वीर। और अंकल, वो रही मेरी मम्मी की तस्वीर। है ना बिल्कुल आप जैसी? कहीं आप भी तो मेरे पापा नहीं है अंकल? बोलिए ना अंकल प्लीज। बेटे, हम तुम्हारे पापा जैसे अंकल हैं। तुम्हारी मम्मी कहाँ? काम पे गई है। अंकल, मैंने आपका नाम ही नहीं पूछा, क्या है आपका नाम? हमारा नाम श्याम है बेटे। श्याम, बिल्कुल मेरे पापा जैसे नाम। मम्मी कहती थी पापा एक बार चले गए फिर वापस ही नहीं आए। पापा लोग बहुत गंदे होते हैं, है ना अंकल? हाँ बेटे, शायद। जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो मम्मी मुझे बहुत डांटती है। अच्छा? हाँ, लेकिन मम्मी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार करती है। बस पापा नहीं लाते थे। अच्छा बेटे, अब हम चलते हैं, फिर मिलने आएंगे। आओगे ना अंकल? हाँ बेटा। चलिए मैं आपको छोड़ आती हूँ, आइए।